मेरे चैनल एलएफटी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 11 की प्रज्ञा प्रवाह पुस्तक का पाठ 7, सुमित्रा नंदन पंत। उनकी कविता का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। आइए अब हम पढ़ते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत की जीवनी। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित कौसानी गांव में हुआ। उन्होंने जिस मनोरम प्राकृतिक परिवेश में जन्म लिया और जिसमें वे बड़े हुए, उसका प्रभाव उनकी रचनाओं पर भी पड़ा। सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं इस प्रकार से हैं: वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, अड़िमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्ण धूली, चिदंबरा इनकी कविताओं का संग्रह है, जिस पर उन्हें 1968 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी एक और रचना कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए उन्हें 1962 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। पंत जी ने रूपाब नामक पत्रिका का संपादन भी सन 1938 में किया। आइए अब हम पढ़ते हैं उनके निधन के विषय में। सुमित्रा नंदन पंत का निधन सन 1977 ईस्वी में हुआ। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में पर्वत प्रदेश में पावस शीर्षक कविता पंत जी के गुंजन काव्य संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन का हृदय ग्राही चित्र प्रस्तुत किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं कवि सुमित्रा नंदन पंत की पर्वत प्रदेश में पावस कविता। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पर पावस से मतलब वर्षा से है, मेखलाकार, मेखलाकार का मतलब है करधनी के आकार का या गोल आकार वाला, सहस्त्र का मतलब है हजार, द्रग, द्रग सुमन का मतलब है फूल रूपी आंखें, अवलोक, अवलोक का मतलब है देखना, महाकार, महाकार का मतलब है विशाल आकार। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई थी और प्रकृति पल पल में नए नए रूप बदल रही थी। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। पर्वतमाला करधनी की तरह गोलाकार थी, पर्वत पर अनगिनत फूल खिल रहे थे, पर्वत फूलों रूपी अपने अनगिनत नेत्रों को फाड़कर बार बार नीचे देख रहा था, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। पर्वत की तलहटी में एक विशाल तालाब था, जिसका स्वच्छ जल दर्पण के समान प्रतीत हो रहा था। पर्वत पर खिले हुए पुष्पों का प्रतिबिंब उस तालाब पर पड़ रहा था। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। निर्झर, निर्झर का मतलब है झरने। मद, मद का मतलब होता है मस्ती या नशा। उर, उर का मतलब है हृदय। नीरव, नीरव का मतलब होता है शांत। अनिमेश, अनिमेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए एक तक। चिंता पर का मतलब होता है चिंतित।
गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पर्वत से निकलने वाले झरने झर झर की आवाज करते हुए निरंतर बह रहे हैं। उस झर झर की ध्वनि से सुनने वालों की नसों में उत्तेजना भर जाती है। उन झरनों से झाग उत्पन्न हो रहे हैं, अतः झरनों की झाग युक्त जल धाराएं ऐसी लगने लगी हैं जैसे मोतियों की सुंदर लड़ियों वाली माला ऊपर से नीचे की ओर लटक रही हो। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उस विशाल पर्वत के हृदय अर्थात जमीन से बड़े बड़े वृक्ष ऊपर उठ रहे हैं। ये वृक्ष एक महत्वाकांक्षी मनुष्य के समान किसी चिंता से ग्रस्त होकर एकटक एवं स्थिर नेत्रों से शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार बारिश के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर, धस गए धरा में सभे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इस तरह मेरे चितेरे हृदय की बाएं प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी, सरल शैशव की सुखद सुधी सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। भूदर, भूदर का मतलब है पर्वत, वारिद, वारिस का मतलब है बादल, पर का मतलब है पंख, अंबर, अंबर का मतलब है आकाश, शाल, शाल एक प्रकार का वृक्ष है, जलदयान, जलदयान का मतलब है बादल रूपी जहाज, चितेरे, चितेरे का मतलब है कल्पनाशील, शैशव, शैशव का मतलब है बाल्यकाल। उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार बारिश के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भूपर अंबर। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि वर्षा ऋतु में बादल इस तरह उड़ने लगते हैं जैसे कोई विशाल पर्वत उड़ रहा हो और उसने पारदर्शी बादलों के पंख धारण कर रखे हैं जिन्हें वह फड़का रहा है। वर्षा के बंद होने पर झरनों की झरझर की आवाज निरंतर सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे आकाश टूटकर धरती पर गिर रहा हो। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। शाल के बड़े बड़े वृक्ष भयभीत होकर धरती में धस गए हैं। ऐसा लगता है जैसे तालाब जल रहा है और उससे धुआं उठ रहा है। इस प्रकार बादल रूपी यान में बैठकर वर्षा के देवता इंद्र जादू के अनेक खेल खेल रहा है। इस तरह मेरे चितेरे हृदय की वाह्य प्रकृति बनी चमत्कृत चित्र थी, सरल शैशव की सुखद सुधी सी वही बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। कवि कहते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के प्राकृतिक दृश्यों को देखकर मेरे चित्रकार हृदय में यानी मेरे कल्पनाशील हृदय में अनेक कल्पनाएं जन्म लेने लगी और बाहरी प्रकृति के अनेक चमत्कारी चित्र उपस्थित होने लगे। कभी आगे कहते हैं कि उस समय मुझे एक बालिका की याद आ गई जो मेरे बचपन की सहज सुखद स्मृति के समान थी। तात्पर्य यह कि वर्षा ऋतु में मन को एक प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई। प्रकृति का यह चित्र आज भी कवि को एक चमत्कारी कल्पना के समान लगता है। अब आते हैं इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विषय में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उड़ गया अचानक लो भूदर, फड़का अपार बारिश के पर। इस पंक्ति में भूदर किसके पंख लगाकर उड़ गया? इसका उत्तर है खा नंबर का, बादल के। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सरल शैशव की सुखद सुधी सी किसे कहा है? इसका उत्तर है का नंबर का, प्रकृति को। अब आते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है? इसका उत्तर है
पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है? दूसरा प्रश्न है, नस नस किसकी उत्तेजित है? इसका उत्तर है, कवि कल्पना करता है कि झरनों के रूप में पर्वत की नस नस उत्तेजित है। तीसरा प्रश्न है, दर्पण सा फैला है विशाल, या दर्पण सा किसे कहा गया है? इसका उत्तर है, पर्वत की तलहटी में जो विशाल तालाब है उसको दर्पण सा कहा गया है। चौथा प्रश्न है, और अंतिम अति लघुत्रात्मक चौथा प्रश्न है, इंद्र कौन से यान में बैठकर इंद्रजाल खेलता है? इसका उत्तर है, इंद्र बादलों से बने यान में बैठकर इंद्रजाल खेलता है। अब आते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में प्रकृति में आए परिवर्तन को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश पर प्रकृति का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। कभी आकाश में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होने लगती है। पर्वतों पर झरने तेजी से गिरने लगते हैं। पर्वत की तलहटी में स्थित तालाब पानी से पूरी तरह भर जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में प्रकृति में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, टूट पड़ा भू पर अंबर, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु में ऐसा लगता है कि आकाश धरती पर टूट पड़ा है। बादलों के नीचे तक झुक जाने से तथा ऊपर से पानी के गिरने से ऐसा लगता है कि आकाश टूटकर धरती पर गिर रहा हो। तीसरा प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कवि ने अचेतन प्रकृति को चेतन रूप में चित्रित किया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, इस कविता में कवि ने प्रकृति को पल पल में अपना वेश बदलने वाली बताया है। पर्वत से बहने वाले झरनों से उसकी नस नस की उत्तेजना और झरनों का झरझर शब्द उसका गौरव गान बताया है। पर्वत पर खड़े वृक्ष हृदय की उच्च आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। इस प्रकार कवि ने प्रकृति पर चेतन का आरोप कर सुंदर चित्रण किया है। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।